अखिल भारतीय मराठा महासंघ और मैत्री फाउंडेशन के अध्यक्ष सुधीर जाधव के कुशल नेतृत्व में SBL सीवुड्स बॉक्स लीग सीजन 3 क्रिकेट टूर्नामेंट का जोशो खरोश के साथ आगाज सीवुड के गणेश मैदान में हुआ, जहां इस क्रिकेट सीवुड बॉक्स लीग का शानदार उद्घाटन सुधीर जाधव की मौजूदगी में सम्पन्न हुआ। इस दौरान सुधीर जाधव ने टॉस उड़ाकर सीवुड्स बॉक्स लीग सीजन 3 की आधिकारिक शुरुआत की। इस बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट में इस बार कुल 8 टीम के 220 खिलाड़ी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिसमें महाड़ किंग्स, द कराड़ किंग्स, कर्नाटका रेनेगेड्स, सोलहापुर स्ट्राइकर्स, रायगढ़ लायंस, सातारा वॉरियर्स, कोल्हापुर किंग्स और मुंबई लायंस की दमदार 8 टीम और 8 आइकॉनिक प्लेयर मैदान में अपना जौहर दिखा रहे हैं। युवा खिलाड़ियों को मजबूत प्लेटफॉर्म देने में सुधीर जाधव का उल्लेखनीय योगदान रहा है। जहां खिलाड़ियों की प्रतिभा को उन्होंने मौका देने का काम किया है, तो वहीं बॉक्स क्रिकेट को एक नई पहचान दिलवाने में उनकी भूमिका बेहद उल्लेखनीय रही है। ऐसे में बेहद न्यू कॉन्सेप्ट और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का जोश भी यहां परवान पर था। इस दौरान नवीनबी नेटवर्क से बात करते हुए SBL के जोशीले माहौल के बीच आयोजक सुधीर जाधव ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इससे खिलाड़ियों को एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिला है। 5-7-7 या तारखेला अपने सीवुड बॉक्स ग्रुप व मैत्री फाउंडेशन च्या माध्यमातून हे तिसरे पर्व चालू झालेलं आहे। तसेच अनेक स्पर्धकांनी या स्पर्धेमध्ये भाग घेतलेला आहे। आत्ताच काही दिवसापूर्वी या स्पर्धेचा एक ऑक्शन सोहळा पार पडला, त्याच्यामध्ये अनेक म्हणजे 220 स्पर्धकांनी भाग घेतला होता। त्याच्यानंतर ही स्पर्धा आता निवडक खेळाडूंमध्ये सुरू होत आहे। सॅटर्डे संडेला आपला फायनल मॅचेस होणार आहेत। स्पर्धकांना माझ्याकडून बेस्ट ऑफ लक ही स्पर्धा जिंकण्यासाठी। ब्युरो रिपोर्ट, नवीनबी नेटवर्क।